हेलो दोस्तों, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो जरूर करना। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेकबिन ऑनलाइन में। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बात करूंगा दोस्तों जियो के बारे में। जियो आप सभी जानते हैं हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है। जियो में आज की डेट में हजारों जॉब्स अवेलेबल हैं। ये जॉब्स हर फील्ड की हैं, ऑपरेशंस की जॉब है, कस्टमर केयर सर्विस की जॉब है, सेल्स की जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं, हर तरीके की जॉब है। फ्रेशर्स के लिए जॉब है, एक्सपीरियंस्ड के लिए जॉब्स हैं, फुल टाइम जॉब है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। आप इंडिया में कहीं से भी हो, लगभग हर लोकेशन में जॉब है। आपको बस क्या करना है, जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पर अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। और सबसे खास बात क्या है, आप मल्टीपल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाके कि आपको कैसे अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, कैसे रिज्यूमे अपलोड करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जब आप रिज्यूमे अपलोड कर दोगे अपना, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। देखो, आप लोगों को ना बेसिक क्वेश्चंस पहले ही तैयार रखने हैं इंटरव्यू के लिए। सपोज करो आप कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो बेसिक क्वेश्चंस क्या होंगे, आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन है कि अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना है, आपकी हॉबीज क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पूछा जा सकता है आपसे कि इस पैंडेमिक ने हमें कैसे अफेक्ट किया। अगर थोड़ा टेक्निकल फील्ड में जाओगे तो आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए आपके क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि कस्टमर केयर सर्विस के बारे में आप क्या जानते हैं, बीपीओ कैसे वर्क करता है, अगर कोई कस्टमर गुस्से में है तो उसको कैसे हैंडल करना है आपने, अगर कोई क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तब आपको क्या करना है। ये सारे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि लगभग 70-80% पूछे ही जाते हैं। इसके बाद अगर एचआर राउंड होता है तो एचआर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, अपनी स्ट्रेंथ बताओ, अपनी वीकनेस बताओ, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। इसके बाद आप अपने आप को अगले 5 साल में कहां देखते हो, ठीक है ना। इसके बाद आप हमारी कंपनी को कैसे बेनिफिट कर सकते हो, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये इंटरव्यू से पहले आपको टिप्स पे इनके आंसर्स आपको आने चाहिए। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओ, या आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो या वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हो, तो इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप पहले से ही करके रखना। तो दोस्तों अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपको इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। आइए चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है। आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको सिंपल टाइप करना है careers.jio.com। जैसे ही आप careers.jio.com सर्च करोगे, आप जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ये देखिए, अब यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस है हाउ वी केयर, हाउ वी हायर, जॉब्स और लोकेशन। आपको जॉब्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। ये देखिए, बिजनेस ऑपरेशंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आईटी एंड सिस्टम्स, एचआर की जॉब, सप्लाई चेन की जॉब, ऑपरेशंस की जॉब। यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स भी दिया हुआ है। बिजनेस ऑपरेशंस की अप्रॉक्सीमेट 1500 जॉब्स हैं, सेल्स की 472 जॉब्स हैं, कस्टमर सर्विसेज जैसे कि बीपीओ हो गए, इसकी 203 जॉब्स हैं। ये जॉब्स ऑल ओवर इंडिया होती हैं, अलग अलग लोकेशन पे होती हैं। आपको लोकेशन सर्च करनी पड़ेगी। देखिए ऊपर लोकेशंस का ऑप्शन है, आप स्ट्रेट वहाँ जाके भी सर्च कर सकते हो। सपोज करो मैं कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें फ्रेशर्स को भी मौका दिया जाता है, तो कस्टमर सर्विस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स भी मिल जाएंगी, फुल टाइम जॉब्स भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से सर्च कर लेना, आपको थोड़ा सा सर्चिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। ये देखिए ये सारी जॉब्स हैं, ठीक है ना, 203 जॉब्स हैं यहाँ पर।
यहाँ पे टोट अभी मैं यहाँ पे एंट्री बढ़ा देता हूँ, मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो एक पेज में मेरे को 25 जॉब्स दिखेंगी। अब देखिए अलग अलग तरीके की जॉब्स हैं, JC ऑनबोर्डिंग लीड मेट्रो, उसके बाद सीनियर डिजिटल रिपेयर स्पेशलिस्ट, एडवाइज़र आउटबाउंड सेल्स, इस तरीके की ये जॉब है। यहाँ ये वाली जॉब बैंगलोर से है, ये हिमाचल प्रदेश से है, ये हरियाणा से है, ये कोलकाता से है, ये मुंबई से है। तो ऑल ओवर इंडिया से जॉब होती है, आप जहाँ से भी है आप वहाँ से सर्च कर लेना। चलो एक जॉब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, एडवाइज़र आउटबाउंड सेल्स की। सेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब की। ये देखिए यहाँ पर जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट है वो है कस्टमर सर्विस, मतलब कस्टमर को सर्विस देना, कस्टमर की कोई भी क्वेरीज हो उसको सॉल्व करना। यहाँ पर लोकेशन दी हुई है कहाँ पर ये जॉब है, हावड़ा कोलकाता की ये जॉब है। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की माइग्रेशन ऑफ फ्री ट्रायल कस्टमर टू पेड कस्टमर्स थ्रू आउटबाउंड कॉल्स, आपको कॉल्स करनी होगी। मैनेज एंड रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स को सॉल्व करना होगा, उसको मैनेज करना होगा, ठीक है ना। एजुकेशन रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगा है 10+2, अगर आप 12th पास हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे 6 महीने से लेकर 1 साल तक का मांगा है, ठीक है ना। स्किल्स आपकी नॉलेज इन टेली सेल्स, मतलब अगर आपको टेली सेल्स की नॉलेज है तो आपके लिए जॉब परफेक्ट है। स्पीक एंड राइट लोकल लैंग्वेज, लोकल मतलब हिंदी, या अगर आप ये जॉब आपकी बंगाल से है तो बांग्ला, ठीक है ना। वर्बल एंड लिसनिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल, रिजल्ट ओरिएंटेड और कस्टमर सेंट्रिसिटी। अब यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आपको इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अगर नए यूज़र हैं तो आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। आपको जियो की वेबसाइट पे अपना एक ये अकाउंट बनाना है जो हमेशा के लिए बन जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और अपना फ़ोन नंबर डालना है। ये सब डालने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, आपका फिर जियो पे अकाउंट बन जाएगा हमेशा के लिए। जब भी जॉब्स आएंगी आप सिंपल एक जॉब के लिए या कई सारी जॉब्स के लिए आप सीधा अपना रिज्यूमे अब इस पे डालो और कई सारी जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको लोकेशंस का भी दिखा दूं। देखो लोकेशन, अगर सपोज करो मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली की जॉब सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए नहीं, अगर आप ऑपरेशंस में जाना चाहते हो, सेल्स में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो मैं दिल्ली से हूँ तो मैं यहाँ पर लोकेशन में जाके दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दिल्ली में जितनी भी जॉब्स होंगी यहाँ पे सब शो हो जाएंगी। ये देखिए दिल्ली में ये सारी जॉब्स हैं, इस एरिया में विकासपुरी में 7 जॉब्स हैं। सपोज मैं विकासपुरी के पास ही रहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ 7 पे, तो ये सारी विकासपुरी की जॉब्स आ गई हैं, ठीक है ना। अब जो भी जॉब मेरे मतलब की है मैं उसके लिए अपना रिज्यूम में डाल सकता हूँ। सपोज करो ये पहली ही जॉब है होम सेल्स ऑफिसर की, ऑफिसर रैंक की ये जॉब है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये बिजनेस ऑपरेशन की जॉब है, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, डिप्लोमा मांगा है इन्होंने, जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, अगर मैं डिप्लोमा हूँ तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी ऑब्टेन बिल्डिंग परमिशंस, रेस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर डॉक्यूमेंट एंड ऑर्डर कलेक्शन, ठीक है, ये सारी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्किल्स स्पीक लोकल लैंग्वेज, कस्टमर हैंडलिंग, नेगोशिएशन स्किल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों जियो हमें इसके लिए पहले ट्रेनिंग भी देगा, ठीक है ना, कि आपको कैसे काम करना है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं, डेली जॉब्स अपडेट होती हैं, डेली नई जॉब्स आती हैं, जियो में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो अगर आप रिज्यूमे अपलोड करते रहोगे इन पे, नई नई जॉब्स के लिए ट्राई करते रहोगे तो आपको डैम श्योर जॉब ज़रूर मिल जाएगी, बस इंटरव्यू के लिए तैयार रहना आप, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जियो के ऊपर कि आप कैसे जियो में जॉब सर्च कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।